आज का पहला मैच क्लास 8 कैटेगरी में कुणाल अरोड़ा उत्तर प्रदेश से आते हैं और उनका सामना होगा अजय जीवी जो कि कर्नाटका के खिलाड़ी हैं। और जैसा हमने कल जिक्र किया था कि अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप्स बनाए गए हैं और उन ग्रुप्स में प्रयास ये किया गया है कि चार चार खिलाड़ी हों, आपस में एक दूसरे से वो मैचेस खेलेंगे लीग आधार पर और शीर्ष दो खिलाड़ी हर ग्रुप से मेन ड्रॉ के लिए क्वालिफाई करेंगे। कुछ ग्रुप ऐसे हैं जहां पर तीन तीन ही खिलाड़ी हैं तो उस स्थिति में एक खिलाड़ी एलिमिनेट होगा लीग मैचेस के बाद और दो खिलाड़ी आगे के लिए प्रोग्रेस करेंगे। ज्यादातर ग्रुप हैं जिनमें चार खिलाड़ी हैं और वहां पर दो खिलाड़ी जाहिर सी बात है इनिशियल राउंड के बाद एलिमिनेट होंगे लीग मैचेस के बाद और दो खिलाड़ी आगे के लिए प्रोग्रेस करेंगे। रविवार को स्पर्धाओं का आखिरी दिन होगा और रविवार ही पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के आयोजन का भी आखिरी दिन होगा। एक बहुत ही विशेष आयोजन है, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट है हर लिहाज से और विशेष तौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हांगझोउ में पैरा एशियाई खेल पिछले दिनों जब ऑर्गेनाइज हुए तब भारतीय खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा मेडल जीते और अगले साल ही पेरिस में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। वहां की तैयारियों के लिहाज से, खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करने के लिहाज से, उनको एक्सपोजर देने के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, क्योंकि यहां ना केवल स्थापित खिलाड़ी हैं जैसे भावीना पटेल हैं, सोनल पटेल हैं, जो कि भावीना पटेल तो ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं, एशियाई खेलों में, पैरा एशियाई खेलों में मेडल जीत चुके हैं और राष्ट्रमंडल खेलों में तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था बर्मिंघम में। सोनल पटेल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हांगझोउ एशियाई खेलों में। पुरुष वर्ग में भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पैरा एशियाई खेलों में मेडल जीत चुके हैं। तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि स्थापित खिलाड़ी हैं, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पैरा बैडमिंटन में भी हमें यही देखने को मिला था। तो ऐसे खेलों की एक ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि एक्सपोजर मिलता है खिलाड़ियों को, कॉम्पिटिशन मिलता है एस्टैब्लिश्ड खिलाड़ियों को, अपने खेल को नर्चर करने का मौका मिलता है, खेल की बारीकियां समझने का अवसर मिलता है। हर लिहाज से एक बहुत ही अच्छा आयोजन। और आज के दिन में टेबल नंबर एक पर कुल मिलाकर 28 मुकाबले निर्धारित हैं। अंतिम जो मैच है टेबल नंबर एक पर वो शाम 7 बजे का समय उसका निर्धारित किया गया है और जो शुरुआत का समय है वो 9:30 दोनों खिलाड़ी पहुंच चुके हैं टेबल पर, उत्तर प्रदेश बनाम कर्नाटक। शेयर अंपायर भी अपनी जगह पर मौजूद हैं और आमतौर पर ऐसे मैचेस में, खासतौर पर व्हीलचेयर के जो मैचेस होते हैं उसमें देखा जाता है कि दोनों एंड पर एक एक वॉलंटियर तैनात रहते हैं। ये हैं इस मुकाबले के चेयर अंपायर डीआर कलस्कर। मैच शुरू होने में कुछ ही क्षणों का वक्त बाकी, खिलाड़ी इस समय वार्म अप करते हुए, अभ्यास करते हुए, बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर ये मैचेस खेले जाते हैं। आमतौर पर टेनिस में इंटरनेशनल मुकाबले जो होते हैं बेस्ट ऑफ 7 के आधार पर मैचेस होते हैं, यहां पर बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर। रेड टी शर्ट में अजय हैं, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी। ओवरऑल आनंद एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट है जैसा मैंने कहा और पैरा ओलंपिक खेलों के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर खेलो इंडिया का ये मंच ही ऐसा है कि यहाँ कई छिपी हुई प्रतिभाएं सामने आती हैं और अपने खेल से प्रभावित कर फिर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, न सिर्फ वहां चुनौती पेश करती हैं बल्कि पदक जीत कर तिरंगे का मान भी बढ़ाती हैं। उत्तर प्रदेश बनाम
कर्नाटक की ये टक्कर, उत्तर प्रदेश के कुणाल काफी युवा खिलाड़ी हैं, जबकि कर्नाटक के अजय अनुभवी। और मुकाबला शुरू होने वाला है। कल ज्यादातर मुकाबले जो दोपहर बाद के सत्र में हुए थे वो एकतरफा अंदाज में खत्म हुए थे, स्ट्रेट गेम्स में खत्म हुए थे। शुरुआत यहां पर होती हुई और पहला अंक मिलेगा कुणाल को। बैकहेंड पर अनफोर्स्ड एरर आया था और इस बार अनफोर्स्ड एरर कुणाल की तरफ से आता हुआ। शुरुआती मोमेंट से थोड़ा सा एक दूसरे के खेल की रणनीति को भांपने की कोशिश भी करेंगे। और इस बार सिर्फ फोरहैंड पर ब्लॉक किया था, लेकिन वो क्रॉस टेबल विनर साबित होता हुआ यहां पर। हल्के हाथ से बैकहैंड पर पुश, लेकिन टेबल के बाहर। और ये खराब सर्विस, सर्विस एरर यहां पर। अपने आप से बहुत ज्यादा निराश होंगे। बैकहैंड फ्लिक बाहर जाता हुआ यहां पर, और कोई बहुत तेज गति से खेलने का प्रयास था, एंगल नैरो जरूर किया था लेकिन उसके बावजूद बाहर। अटैकिंग फोरहैंड आता हुआ यहां पर कुणाल की तरफ से, उसको बैकहैंड पर ब्लॉक करने की कोशिश भी नहीं की और कोई फायदा नहीं। फोरहैंड पर ब्लॉक किया था लेकिन बाहर। थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं यहां पर कुणाल। और इस बार जब अवसर मिला तो फोरहैंड पर काउंटर करने की कोशिश थी वहां पर अजय की, लेकिन नियंत्रित शॉट नहीं था ये, बहुत ज्यादा बाहर। एक और खराब शॉट, बैकहैंड पुश नेट पर जाता हुआ। बहुत बढ़िया विनर आता हुआ बिल्कुल कॉर्नर पर, कॉर्नर की तलाश में थे और वहां पर बिल्कुल फोरहैंड पर नैरो एंगल करते हुए टॉप स्पिन जनरेट करने की कोशिश। और इस बार मात खा गए, एक बार फिर कॉर्नर पर विनर की तलाश में थे कुणाल, लेकिन अनफोर्स्ड एरर में तब्दील होता हुआ। ये बहुत बढ़िया इनवाइट किया था लेकिन उस इनविटेशन को स्वीकार नहीं पाए। अच्छी हाइट पर यहां पर स्मैश लगाने की कोशिश थी लेकिन टॉप ऑफ द नेट डिफ्लेक्शन के बाद बाहर। बढ़िया डिफेंस वहां देखने को मिला अजय का, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अपना धैर्य गंवाया। जैसे ही देखा कि एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को कैश करने की कोशिश। डिफेंस में ज्यादा खेलते नजर आ रहे हैं और डिफेंस में ही गलतियां भी कर रहे हैं। एक समय बड़ी बढ़त पर चले गए थे कुणाल अरोड़ा, लेकिन अब सिर्फ दो अंकों की बढ़त है। प्रभावित किया है इसे युवा खिलाड़ी ने अब तक। एक बार फिर डिफेंसिव शॉट था अजय का और उस पर अटैकिंग फोरहैंड आता हुआ कुणाल का। बिल्कुल इंतजार कर रहे थे और कोई मौका नहीं दिया। और इस बार फोरहैंड बाहर जाता हुआ। हमेशा कॉर्नर की तलाश में रहते हैं और डाउन द लाइन खेलने की कोशिश रहती है ताकि रिटर्न कर पाना आसान न हो। और इस बार फिर वही रणनीति, एक बार फिर बैकहैंड पर ब्लॉक करने की कोशिश और इस बार फोरहैंड ड्राइव जो है वो नेट पर लगता हुआ। गेम पॉइंट पर है कुणाल। एक और बढ़िया फोरहैंड पर ड्राइव और उसका बैकहैंड ब्लॉक बाहर, यही पूरे मुकाबले की कहानी रही है। और इस अनफोर्स्ड एरर के साथ उत्तर प्रदेश के युवा खिलाड़ी कुणाल अरोड़ा ने पहला गेम जीत लिया है 11-8 के स्कोर के साथ। एक तरफा तो नहीं कहेंगे शिवेंद्र, चूंकि टक्कर दी है वहां पर अजय ने, लेकिन
गेम अगर कंपेयर करें तो बहुत एग्रेसिव खेल नजर आ रहे हैं कुणाल, और दूसरी तरफ डिफेंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अजय। बिल्कुल, मौके अजय को ज्यादा मिले नहीं है अटैकिंग गेम खेलने के, क्योंकि उनके जो ओपोनेंट हैं कुणाल, उन्होंने ही आक्रमण का जिम्मा ज्यादातर संभाला। एक आध मर्तबा अवसर मिला था अजय को और उसे उन्होंने भुनाया भी था, लेकिन अटैकिंग खेलने के साथ इश्यूज ये होते हैं कि उनको पॉइंट भी मिलते हैं, साथ ही गलतियां भी उनसे ज्यादा होती हैं। और पहले गेम का स्कोर 11-8 इस ओर इशारा करता है कि पॉइंट जरूर बनाए कुणाल ने, लेकिन साथ ही उन्होंने खासतौर पे जब वो कॉर्नर्स तलाश रहे थे, बहुत बढ़िया इनसाइड आउट खेलते हैं फोरहैंड पर, तो कॉर्नर्स में खास बात ये होती है कि आप अपने अपोनेंट को स्ट्रेच करते हैं और उनके पास डिफेंस के अलावा और कोई चारा नहीं होता। रणनीति अच्छी है, सिर्फ प्रयास ही करना होगा कुणाल को कि जो मिस्टेक्स हैं वो मिनिमाइज हो, बिल्कुल से ऑल टुगेदर कम खत्म तो नहीं हो सकती। दूसरे गेम की रणनीति दिलचस्प होगी, पहला पॉइंट कुणाल के नाम पर। बैक टू बैक पॉइंट लेने में कामयाबी एक बार फिर से, इस बार ऐसा लगा कि टेबल को मिस किया बॉल ने, लेकिन एज पर लगी थी, एक लकी पॉइंट अजय के पक्ष में गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद कुणाल ने वापसी की 3-1 से आगे फिलहाल। फोरहैंड पर स्ट्रेच किया था अजय ने और उसके बाद बैकहैंड का रुख किया था कुणाल से, दो बैक टू बैक मिस्टेक, 3-3 की बराबरी, 3-1 से आगे निकल गए थे और अब 3-3 की बराबरी। टॉप ऑफ द रैकेट से स्पिन का भी समावेश करने का प्रयास करते हैं कुणाल, फोरहैंड पर एक ओवर एम्बिशियस स्ट्रोक। ने पहले कहा कि अटैकिंग गेम की खासियत यह है कि आपकी जो एरर्स हैं शॉट एग्जीक्यूशन के टाइम पे, उनकी संभावना ज्यादा रहती है, अगर उनको मिनिमाइज किया जाए तो आपके पक्ष में अंक जाने की संभावना ज्यादा। फिलहाल स्लेंडर लीड अजय के पास, फिर से बैकहैंड पर ब्लॉक करने के अंदाज में खेला गया स्ट्रोक, नेट में उलझता हुआ देखें, दो पॉइंट की लीड अजय ने बना ली है, पहला गेम हारे जरूर हैं। अजय बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है उनके पास, वहीं दूसरी ओर कुणाल बिल्कुल कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, वैरायटी ज्यादा है स्ट्रोक्स में कुणाल के पास। अजय परसेंटेज गेम में ज्यादा बिलीव करते हैं इस बार, हालांकि फॉर अ चेंज उन्होंने काफी तेज सर्विस की थी, लेकिन थोड़ी सी लंबी होती हुई और एक पॉइंट की लीड कुणाल के पास। बढ़िया रैली, लेकिन अंततः बैकहैंड पर फंबल करते हुए अजय पॉइंट मिलता हुआ कुणाल को। दोनों खिलाड़ियों का जो स्टाइल है वो बिल्कुल ही कंट्रास्टिंग है, दोनों खिलाड़ियों के खेल में काफी अंतर है खेलने के तरीके में। इस बार देखिए बॉडी के काफी करीब बैकहैंड पर अटैक किया था, फोरहैंड पर लिया जरूर था कुणाल ने, लेकिन संतुलन नहीं बना पाए, परिणाम स्वरूप पॉइंट उनसे छिटकता हुआ। एक बार फिर से उसी जगह पर, इस बार बहुत ज्यादा डीप खेलने की कोशिश की कुणाल ने, तो दो अच्छे पॉइंट अजय के खाते में। इस बार अपोनेंट के फोरहैंड पर अटैक करते हुए कुणाल को फायदा मिलता हुआ।
पहले दो बैक टू बैक पॉइंट अजय के नाम पर और उसके बाद कुणाल की बारी। बहुत अच्छा डिफेंस है अजय का, मोमेंट बड़ा लिमिटेड है उनका लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या केवल डिफेंस के सहारे कोई मैच जीत सकते हैं? ये थोड़ा डिबेटेबल पॉइंट हो सकता है। इस बार फोरहैंड टेबल को छोड़ता हुआ तो दो गेम पॉइंट हैं कुणाल के पास। पहला गेम 11-8 से जीते हैं। दूसरे गेम में 10-8 की बढ़त बना ली है उत्तर प्रदेश के कुणाल अरोड़ा। हालांकि सर्विस का दारोमदार अजय के पास कर्नाटक के खिलाड़ी काफी कॉशस थे इस पॉइंट पर दोनों खिलाड़ी। अंततः टेबल को मिस करता हुआ बैकहैंड कुणाल का एक गेम पॉइंट बचाया अजय ने। कितने कॉशस होकर के दोनों खिलाड़ी खेल रहे थे और अजय कोई चांस नहीं लेना चाहते थे लेकिन अल्टीमेटली उनका ही बैकहैंड नेट में टकराया और दूसरे गेम पॉइंट को कन्वर्ट किया कुणाल ने। तो पहला गेम उन्होंने 11-8 से जीता है और दूसरा 11-9 से जीता है। बहुत ज्यादा चूज करने के लिए है नहीं इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में, स्टाइल ऑफ प्ले बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर कुणाल के फेवर में बात यह जाती है कि अगर उनके जो अटैकिंग स्ट्रोक्स हैं अगर वो सही लय पर लगें, सही जगह पर एग्जीक्यूशन हो तो फिर उनके पक्ष में पॉइंट जाने की संभावना ज्यादा रहती है। अजय काफी परसेंटेज गेम खेलते हैं, टेबल पर रखना चाहते हैं बॉल को, बहुत रेयरली अटैकिंग शॉट्स लगाए हैं उन्होंने। पहले गेम में एक दो मरतबा अच्छे स्ट्रोक्स लगाए थे, हालांकि दूसरे गेम में तो याद नहीं पड़ता कि ऐसा कोई अटैकिंग स्ट्रोक उन्होंने खेला हो। अंक जरूर मिले लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो अटैकिंग प्लेयर है उससे गलतियों की संभावना भी ज्यादा रहती है और अगर कुणाल उसको मिनिमाइज करते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा। कोच से काफी विचार विमर्श दोनों खिलाड़ियों का। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण गेम है, कुणाल अगर इसको जीतते हैं स्ट्रेट गेम्स में आज का पहला मैच जीतने में कामयाब होंगे। ऑफकोर्स अजय की कोशिश होगी वापसी की क्योंकि 0-2 से वो ट्रेल कर रहे हैं। अपने आप से थोड़ी बातचीत करते हुए खुद को थोड़ा उत्साहित करते हुए क्योंकि उन्हें पता है ये कब अमर का गेम है इस मुकाबले में। एक बार फिर डिफेंस की रणनीति थी, फोरहैंड ब्लॉक बाहर जाता हुआ, एक जगह खड़े रहकर खेलना पसंद है अजय को। इस बार फोरहैंड नेट पर उलझता हुआ बैक टू बैक दो अनफोर्स्ड एरर्स और इस बार बैकहैंड पर किया गया ड्राइव नेट पर। कुछ भी अच्छा नहीं घट रहा है इस गेम नंबर 3 में अब तक। कॉर्नर पर पुश किया था और वहां से रिटर्न थोड़ा सा एंगुलर बन जाता है, क्रॉस टेबल करने की कोशिश थी वहां भी उलझे और इस बार फोरहैंड पर टॉप स्पिन जनरेट करने में कामयाबी मिली कुणाल को। कॉर्नर पर टॉप स्पिन जहां पर कामयाबी नहीं मिली और मोमेंटम को तोड़ने के लिए जानबूझकर लिया गया ये टैक्टिकल टाइम आउट अजय के तरफ से, क्योंकि पता है कि सिर्फ 40-50 सेकेंड्स के आसपास समय में 5-0 की बढ़त ले ली है इस गेम नंबर 3 में उत्तर प्रदेश के युवा खिलाड़ी कुणाल अरोड़ा ने। और ऐसे में क्या कुछ विकल्प हैं अजय के पास? अब तक के पूरे खेल में डिफेंसिव खेल का प्रदर्शन किया है, अटैकिंग फोर ड्राइव या बैकहैंड पर क्रॉस टेबल विनर अब तक हमने देखा नहीं उनकी तरफ से। क्या कोई रणनीति में बदलाव करेंगे? फुटवर्क के मामले में भी कुणाल काफी चपल काफी तेज नजर आए हैं जबकि अजय बिल्कुल जो सेंटर लाइन है
टी पोजीशन की, वहीं पर खड़े होकर खेलना उनको पसंद है और वहीं से वो फोरहैंड और बैकहैंड पर स्ट्रेच करके रिटर्न करने की कोशिश करते हैं। प्रभावित किया है इस खिलाड़ी ने, पहले दो गेम 11-8 11-9 से जीते और अब गेम नंबर 3-5-0 की बढ़त पर। एक और अनफोर्स्ड एरर, एक और फोरहैंड पर चूक होती हुई अजय से, अब ये वन वे ट्रैफिक हो गया है इस मुकाबले में। इस बार मौका दिया था उस ओपनिंग को पूरी तरीके से, कॉर्नर पर क्रॉस टेबल विनर एक बार फिर आता हुआ इस बार फोरहैंड पर। जब तक बैकहैंड जाता तब तक गेंद निकल चुकी थी। इस बार मौका था, एक फोरहैंड पर बढ़िया रिटर्न किया था कुणाल ने और दूसरे फोरहैंड पर अनफोर्स्ड एरर कर बैठे। 8-0 की बढ़त। आइडिया बढ़िया था, चूंकि देख लिया था कि बिल्कुल टेबल के राइट कॉर्नर पर कुणाल चले गए हैं और लेफ्ट कॉर्नर पर प्लेस करना चाहते थे, लेकिन नेट पर उलझा और बहुत लंबे समय के बाद एक अंक मिला है। इन रीप्लेस के दौरान एक अंक हासिल कर लिया वहां पर अजय ने। दो अंक दूर है इस मुकाबले को जीतने से कुणाल अरोड़ा। पूरी तरीके से छका कर रखा है, चकमा दे कर रखा है, ऐसा लग रहा है कि मन मर्जी के हिसाब से खेल रहे हैं। पहले बैकहैंड पर दो करारे काउंटर और उसके बाद ये फोरहैंड पर विनर आता हुआ और अब पहुंच गए हैं गेम पॉइंट और मैच पॉइंट पर। और इस फोरहैंड पुश के बाहर जाते ही उत्तर प्रदेश के युवा खिलाड़ी कुणाल अरोड़ा ने 11-8 11-9 11-1 के स्कोर के साथ एक तरफा अंदाज में इस मुकाबले को जीत लिया है। और जिस तरह का खेल दिखाया है उससे इस बात की पूरी संभावना है कि अपनी कैटेगरी में ये बड़े खिलाड़ियों को चुनौती दे सकते हैं। ये मेन क्लास 8 11-8 11-9 11-1 से कुणाल अरोड़ा ने कर्नाटक के अजय को मात दी है।